स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो ये वाला असाइनमेंट हमें एचटीएमएल में बनाना है, इसमें डिफरेंट कॉलम्स एंड रोज हैं, तो इसको देखें किस तरह से बनाएंगे एचटीएमएल में, आइए देखते हैं। यहाँ से हमने वीएस कोड खोल लिया, कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल ली, कंट्रोल एस करके सेव कर लिया, और इसका नाम रख रहे हैं कॉल स्पैन एंड रो स्पैन असाइनमेंट एचटीएमएल, उसका असाइनमेंट डॉट एचटीएमएल के नाम से उसको सेव कर देते हैं। मेरे वेब पेज पर सेव हो गया, शिफ्ट के साथ वन का बटन दबाएंगे, एंटर करेंगे, यह हमारे सामने आ जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देते हैं रो स्पैन एंड कॉल स्पैन असाइनमेंट। F5 दबा के हम चलते हैं अपने ब्राउजर के ऊपर, गूगल क्रॉप के ऊपर हमने अपने इसको लोड कर लिया, ये क्रॉप में हमारे सामने लोड हो गया है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। सबसे पहले हम शुरू कैसे करेंगे काम को, इसको देखना है आपने। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर एक रो बनानी है, लेकिन यहाँ एक रो नहीं है, दो रोज है, ठीक है, तो मुझे दो रोज बनानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे टेबल का टैग, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं एक टेबल। तो जैसे ही टेबल का टैग हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, उसके अंदर एक रो बनाएंगे, उसके अंदर एक और रो बना देंगे नीचे, ठीक है, ये मैंने दो रोज बना दी। अब ऊपर वाली रोज के अंदर हमें सिर्फ क्या करना है, ये लिखना है डिलीवरी डेट। तो इसके अंदर एक टी एच बना लेते हैं और उसके अंदर हम लिख लेते हैं डिलीवरी डेट, ठीक है। और नीचे वाली रो के अंदर आके हम क्या करेंगे, ये सारे बनाएंगे 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक टी एच बनाएंगे, सीरियल नंबर, और उसके बाद फिर इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कॉपी एंड देन पेस्ट 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 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ से हम गए इसके ऊपर, यहाँ से क्लिक किया, प्रोडक्ट लिख दिया हमने यहाँ पे, और प्रोडक्ट के बाद हमने लिख दिया यहाँ पे ब्रांड। तो अब यहाँ लिख लेते हैं हम ब्रांड, और यहाँ पे हम इसको सेव करके लिख लेते हैं DDMMYY, तो DDMM और YY, ठीक है। तो एक और कॉपी लेंगे इसका, यहाँ से प्रेस कर देंगे और यहाँ पे इसको क्लिक करके यहाँ पे YY लिख दें, ठीक है। साथ साथ हम डेटा भी इंटर करते जा रहे हैं। तो अब देखते हैं वेब पेज पे कैसा बनाएंगे, इस तरह से बनाएं, बॉर्डर्स का टैग एट्रीब्यूट्स में ऐड कर देते हैं ताकि आपको पता रहे कि कहाँ पे कौन सा बॉर्डर ऐड हो रहा है। सेव कर दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश कर दिया, ये देखिए इस तरह से आ रहा है। अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में इसको सही करेंगे, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अगली रो में क्या है, यहाँ पे हम कितनी रो बनाएंगे, एक रो बनाएंगे, ठीक है, फिर उसके नीचे दूसरी रो बनाएंगे, ठीक है। तो पहली रो में क्या लिखेंगे, जो पहली रो में लिखना है वही लिखेंगे। तो यहाँ पर आएंगे, पहली रो बनाएंगे हम यहाँ पे, तो बॉर्डर के बाद नीचे आ गए यहाँ पे, तो टेबल के अंदर एक और रो बनाई हमने यहाँ पे टी आर किया, और टी आर के अंदर जाके हमने जो है एक रो बनाई जिसके अंदर दो कॉलम बना रहे हैं। तो यहाँ पे दो कॉलम कैसे बनेंगे, एक टी एच लगाएंगे, सॉरी अब यहाँ पे हम टी डी का इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉर्मल डेटा एंट्री हो रही है, टी डी 01 लिखेंगे उसके अंदर, और उसके बाद हमने क्या लिखना है, लैपटॉप लिखना है उसके नीचे। तो ये दूसरा बनेगा कॉलम, कंट्रोल सी किया यहाँ पे और उसको कंट्रोल वी करके मैंने पेस्ट कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या टाइप करना है, लैपटॉप लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लैपटॉप आ गया और ये इस तरह से नजर आएगा, ओके। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अगले सेक्शन में मुझे लिखना है एचपी, क्या लिखना है एचपी। तो यहाँ पे एक और बनाएंगे, यहाँ पे एक और टीडी बनाएंगे, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम एचपी, ठीक है, एचपी लिख दिया। और उसके बाद अगला जो ब्रांड नेम है वो उसके अंदर एक रो बनानी है, 12 12 और 24 लिख देना है उसके अंदर। तो ये एक रो बनेगी, एंड पे जाके टीडी करेंगे यहाँ पे 12, और उसको कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, और यहाँ पे जाके 24 कर देंगे यहाँ पे इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ से इसको हम रिफ्रेश कर देंगे, तो 12 12 और 24 होके इस तरह से ये आगे सामने आ जाएगा। अब अगली रो पर भी हमें यही काम करना है, सिर्फ उसमें डेस्कटॉप लिखना है और 12 12 24 लिखना है एचपी के साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पूरी रो को हम यहाँ से करेंगे कॉपी, तो यहाँ से हमने क्या सिलेक्ट और यहाँ से लिया कॉपी और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो बस अब यहाँ पे लैपटॉप की जगह क्या लिख देंगे, डेस्कटॉप, और यहाँ पे 12 12 24 कर देंगे, और ये हमारा इसके नीचे एक और रो बन जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर सेम लैपटॉप डेल के साथ भी यही करता है, तो डेल के साथ हमें थोड़ा सा चेंज करना है, 9 10 24 भी लिखना है उसके अंदर। तो एक रो तो डेल के हम ऐसे ही बना देंगे जो भी हमने एचपी की बनाई है, तो इसी को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिख देंगे डेल लिख देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डेस्कटॉप लिख देंगे, और सीरियल नंबर इसका 4 कर देते हैं, और ये देखें इस तरह से ही बन जाएगी जैसे कि वो बना डेल डेट, और उसके अंदर जो डेटा डालना है वो 9 10 24 डालना है, तो 9 10 24 डालना है, तो यहाँ पे आ गया 9 और यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे आ गया 24, ठीक है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे, ये आ गया। अब इसके बीच में एक जो रेड करानी थी डेल से पीछे लैपटॉप की थी वो इस तरह की, उसमें भी डेल लिखना है लेकिन उस पर डेट इस तरह से लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ही दोबारा प्रेस कर लेते हैं, इसके नीचे इसके ऊपर इससे पहले ये एक और रो ऐड करा लेते हैं, और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ प्रेस कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर 3
और यहाँ पे लिखेंगे लैपटॉप, तो आ रहा है लैपटॉप लिखा हुआ, और यहाँ पे एचपी की जगह लिखेंगे डेल लिखेंगे, तो ये डेल लिखा हुआ आ गया। और उसके बाद क्या लिखना है, 10 10 12 24 लिखना है, तो 10 12 24 के लिए दो कॉलम हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 12 24, तो ये आ गया 10 और ये 12 और ये 24, ठीक है। तो ये रिफ्रेश करेंगे हम यहाँ पे जाके, इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें इस तरह से आपके सामने नजर आ रहा है, ये सब बन गया, ठीक है। अभी इसको ऐसे चलने दें, आगे चलते हैं। अगले में क्या बनाना है, वो तो सिंपल सा एक रो बनानी है जिसमें स्मार्ट एलईडी, तो उसी को कॉपी कर लेते हैं जो हमने कॉपी कर रखी है, तो यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे 5 पे लिखेंगे, 5 पे लिख करके इसको हम लेनोवो कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जाके हम लिख देते हैं लेनोवो, नहीं डेस्कटॉप लिखना था यहाँ पे, लेनोवो लिख देते हैं यहाँ पे। और लिखने के बाद यहाँ पे उसका जो क्वांटिटी 15 6 24 है, 15 6 24, तो 15 और यहाँ पे आ गया 6 और ये आ गया 24। तो यहाँ पे गाइज हमने अपना जो है कंप्लीट कर लिया ये, तो ये आ गया हमारे पास इस तरीके से। अब आते हैं इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कहाँ पे हमें क्या चीज़ चेंज करनी थी। सबसे पहले डिलीवरी डेट हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ पर डिलीवरी डेट कैसे आएगा, तो यहाँ पे देखिए ये वाले जो दो ऊपर नीचे जो रोज हैं ये मर्ज होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए पहली रो पे चलते हैं यहाँ ऊपर, और यहाँ पे आते हैं, ये पहली रो है, इसमें हमने एक ही कॉलम लिया है, ठीक है। अब ये कॉलम कौन सा है, ये कॉलम जो है वो ये लास्ट वाले तीन कॉलम्स को कवर करेगा, और शुरू वाले तीन कॉलम जो है नीचे वाले के साथ मर्ज होंगे। अब ये सीरियल नंबर भी इधर लिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये तीन जो कॉलम है जो हमने नीचे बनाए थे रो पे, ये तीन कॉलम यहाँ से लेके कट करेंगे, और ये इसके साथ लाके यहाँ पे क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब जब वहां से कट होंगे यहाँ पेस्ट होंगे, तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट कुछ ऐसा पड़ेगा, इधर आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इस वाले पे क्या लिखेंगे, रो स्पेन, और कितनी स्पेन करेंगे रो, दो, एक खुद की एक दूसरी। तो जैसे आप इधर आके रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखिए कट हो गया, तो नीचे तो वो है नहीं ना, तो उसकी रो ये अपने अंदर मर्ज करता जा रहा है, तो यही चीज इसके अंदर हम लिख देंगे, सबके अंदर कॉपी करेंगे यहाँ से, और इसमें भी जाके पेस्ट कर देंगे, और इसमें भी जाके पेस्ट कर देंगे, तो ये जाके देखें इस तरह से रो स्पेन बन जाएगा, सही है। अब रह गया ये, इसका क्या करें, ये कितने कॉलम को मर्ज करेगा, ये रो को मर्ज नहीं करेगा, ये कॉलम को मर्ज करेगा, एक दो तीन कॉलम को मर्ज करेगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आगे जाके कॉल स्पेन, कॉल स्पेन, और यहाँ पे कितने वाले कॉलम को मर्ज कर रहा है, एक दो तीन को मर्ज कर रहा है, तो यहाँ पे तीन कॉलम को ऐसे करके ये मर्ज कर देगा, ये देखिए इसका नाम बन गया, सही है। अब आते हैं इसके ऊपर कि भाई ये एचपी तीनों में आएगा, यानी कि इन तीन रोज को कवर करेगा एचपी, तो अब मैंने तीनों में एचपी लिखा हुआ है, एक पेंट आईपैड भी था बीच में, एक एंट्री मिसिंग हो गई इसके अंदर से, चलें एक एंट्री बना लेते हैं उसके अंदर। तो एक दो पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो, चौथी रो, और यहाँ पे एक एंट्री आनी थी आईपैड की, तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं रो को, और यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से मैंने रो को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे लिखना था 3 पे आईपैड लिखना था, तो यहाँ पे मैंने आईपैड लिख दिया, और वो एचपी वहीं पे वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, और उसकी जो एंट्री थी 10 11 24 की थी, तो 10 11 24 की एंट्री को मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया, 10 11 24 की एंट्री यहाँ पे कर दी, और उसको आके यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया। तो यहाँ पर तीनों पे एक ही एचपी आना चाहिए, सही है ना, तो तीनों पर एक एचपी कैसे आएगा, और ये दोनों एक जैसी एंट्रीज आनी चाहिए। तो इस चीज को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि हमें करना क्या है। तो इसके लिए हमें करना ये है कि यहाँ पर आके हमने ये जो वन एंट्री है एचपी की और ये टू एंट्री है एचपी की, तो वन वाली एंट्री में आना है, वन वाली एंट्री में हमें नीचे कितने कॉलम जाना है इसको, एक दो तीन, तो यहाँ पे कहेंगे कॉल स्पैन 3, तो ये यहाँ पर जब कॉल स्पैन 3 करेंगे तो ये चला जाएगा नीचे तीनों कॉलम, सॉरी सॉरी सॉरी, कॉल स्पैन नहीं करेंगे, रो स्पैन करेंगे, रो स्पैन करेंगे, तो ये चला जाएगा तीन कॉलम नीचे, हो गया सेट। लेकिन जब ये नीचे आया तो वो अगले दो एचपी आगे चले गए, अब क्या करेंगे, एक्सेलेंट, तो जब काम ही नहीं है तो उनको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया रिमूव, और इसको भी कर दिया यहाँ से रिमूव, तो इसको सेव करेंगे और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे, तो ये देखें सेट हो गया। अब ये एंट्री सेम है, ये एंट्री सेम है, तो इसके ऊपर वाली रो में जाके हम यहाँ पे भी लिखेंगे क्या, कॉल रो स्पैन, और इसमें दो रोज करना है, तो यहाँ से दो स्पैन को इस तरह से कर देंगे, और इसको यहाँ पे रखे कॉपी, इसको भी कॉपी, इसको भी कॉपी, और नीचे जाके इनको क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि सेम एंट्रीज हैं, तो नीचे वाली जब एंट्री सेम है, अच्छा ये इधर करना था हमें, कोई बात नहीं, अगर चेंज भी हो गया है तो यहाँ से इसको कट कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, और यहाँ पे ले जाके इसको पेस्ट कर दें, और यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है,
तो यहाँ पे जाके इसको आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब रह गई ये वाली एंट्री, तो अलग अलग थी। अब आ जाए लैपटॉप डेल के अंदर, ये दोनों एंट्री सेम है, तो इसके अंदर भी हम नीचे आएंगे जहाँ पे डेल की पहली एंट्री हो रही है। यार ये डेल की पहली एंट्री कहाँ है, ये वाली डेल की पहली एंट्री, इसको भी हम यहाँ पे कहेंगे रो स्पैन और इक्वल टू 2 कर देंगे, और इसका जो नीचे वाला डेल है वो यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे। तो देखें यहाँ पर भी ये सेट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि 10, 12, 24 की एंट्री तीनों कॉलम को कंज्यूम करेगी, तो हमने यहाँ बनाई एक कॉलम है, तो आगे वाले तीन कॉलम के लिए स्पैन करने के लिए क्या करेंगे, कॉल स्पैन करेंगे और यहाँ पे 3 कर देंगे, और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो देखें ये एंट्रीज भी इसके साथ सेट हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि अब हमारा काम हो गया, बिल्कुल हो गया सेट है। बाकी रहेगी अब टेबल की विड्थ वगैरह को सेट करेंगे, तो यहाँ से टेबल पे ऊपर चले जाएंगे, यहाँ पे जाके टेबल के साथ बॉर्डर लिखा था, बॉर्डर आप कितने पिक्सल का लगा रहे हैं, 2 पिक्सल का लगा दें। ठीक है, उसके साथ जो है विड्थ अपने टेबल की सेट कर दें 400 पिक्सल पे, और यहाँ से आके इसको रिफ्रेश कर लें। ठीक है, ये आपका डेटा तैयार हो गया। अब जिस इसमें जो जो कलर डालना है, जैसे डिलीवरी डेट वाले पे कलर डालना है, तो यहाँ पर आए डिलीवरी डेट वाले पे यहाँ पे एक एंट्री करेंगे बीजी कलर की, और जो कलर डालना है तो मैंने आपको बताया था, अगर जैसे ऑरेंज कलर तो डायरेक्टली लिख दें ऑरेंज कलर, तो वैसे ही आ जाएगा उसके ऊपर। ठीक है, और लेकिन अगर आपका कोई कलर ऐसा है जो नहीं मिल रहा तो फोटोशॉप से वो कलर आपको जनरेट करवाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर भी इस तरह से बीजी कलर सब में लगाते जाएंगे, एचपी वाले में भी बीजी कलर लगाना है, तो ये एचपी की एंट्री कहाँ है जो रो स्पेन की थी ये रही, तो यहाँ पर भी एक बीजी कलर का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, और उसमें कौन सा कलर डालना है, स्काई डालना है, तो यहाँ से आके आपने इसको कर दिया रिफ्रेश, और यहाँ पे देखिए स्काई कलर, स्काई के साथ ब्लू भी लिखना है तो ब्लू भी करना है, स्काई ब्लू, तो यहाँ पर आके आप रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इसके अंदर आ गया, और इसको भी अलाइन सेंटर करके देखें, यहाँ पे अलाइन सेंटर की एंट्री करके देखें इफेक्ट हो रही है इसके ऊपर, ये देखें सेंटर में आ गया। तो इस तरह से आप अपने डेटा के अंदर सारी चीज़ों को मैनेज करेंगे, और इस तरह ही आपका असाइनमेंट कंप्लीट बन जाएगा। तो इसमें हमें कॉन्सेप्ट जो सीखा रो स्पैन और कॉल स्पैन का सीखा, अब उसके ऊपर लिखना था असाइनमेंट या प्रोडक्ट डिटेल्स, उसको भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम यहाँ एक रो से पहले भी एक और रो ऐड करा सकते हैं टी आर, और उसके अंदर लिख सकते हैं टी एच, और उसमें हम लिख रहे हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, यहाँ पे लिखने के बाद हम इसके अंदर कितने कॉलम्स हैं, इसके अंदर रिफ्रेश करेंगे तो ऐसे नजर आएगा, हमें कितने कॉलम्स पे चाहिए, ये ऊपर 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कॉलम्स पे चाहिए, तो यहाँ पे जाके हम करेंगे इसको कॉल स्पैन, जैसे इसको कॉल स्पैन करेंगे इक्वल टू करेंगे 6 कॉलम के ऊपर, और उसको यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें इस तरह से नजर आने लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया असाइनमेंट।